गोंडा पुलिस अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वहीं गोंडा में गुंडों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कच्ची चौराहा के पास का है, जहां पर दो टेम्पो चालक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि दबंग सूरज यादव ने राहुल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे राहुल सिंह को गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हो गया और बदमाश मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची नवाबगंज पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं अपराधी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार है। वहां पर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोलीकांड का यह पूरा मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जनपद गोंडा कस्बा नवाबगंज दोपहर के समय कटी राह के पास सूरज यादव और उसके साथियों के द्वारा जो फायरिंग करके चोटे पहुंचाई गई। राहुल सिंह को कंधे के चोटे आई है, उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, यह हालत सामान्य है। और उनके बड़े भाई रविंदर सिंह की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, अब जो पंजीकृत किया जा रहा है और जो जो इसमें अभियुक्त है किसी भी गिरफ्तार।